अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बारबाडोस के अंदर कुछ चौथा के पांचवा दिन है, चौथा दिन है शायद, और आज हम लोग जाने वाले हैं एक गुफा के अंदर जिसका नाम है हैरिसन केव्स। लेकिन यहाँ पर एक आपके लिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, हमारे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ है। यहाँ पर एक अलर्ट है, हैरिकन का यहाँ पर अलर्ट दिया गया है कि रात को 2 बजे से शुरू होने वाला है यहाँ पर तूफान आने वाला है, जिसे हम साइक्लोन कहते हैं, हैरिकन कहते हैं, वो यहाँ पर रात को शुरू होने वाला है रात से कुछ और सुबह के 4-5 बजे तक के। तो यहाँ पर पूरा अलर्ट दिया गया है और होटल के अंदर से हमें लैंप दिया गया कि लाइट वगैरह सब चले जाएगी। अभी होटल के मालिक ने हमें कहा कि खाने पीने का भी सब इंतज़ाम है, पानी का भी हमारे पास स्टोर है, सब चीज़ है, खाली लाइट का प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि लाइट बंद कर दी जाती है उस टाइम पे, तो उसका हमें टेंशन है। तो अभी रात को यहाँ पर ये स्टार्ट होगा, इसी वजह से हम बीच पे भी नहीं जा सकते। तो आज हमारे पास चांस है वहाँ पर ये केव के अंदर जाने के लिए, तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो वी आर रेडी, अयूब भाई तैयार? एकदम रेडी है, तैयार है हम लोग, रेडी मैन, 100% रेडी। तो हम लोग तैयार है वहाँ जाने के लिए, पूरा टूर देने वाले आपको हैरिसन केव का। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, उसके अंदर शायद गुफा के अंदर ले जाते हैं हेलमेट वगैरह पहना के, देखेंगे क्या कैसा सिस्टम है। अभी टैक्सी मंगाई हम लोग ने, देखो यहाँ की टैक्सी मंगाई है, ये टैक्सी कुछ ऐसी होती है, यहाँ का कोई कलर नहीं होता, बल्कि इन लोग यहाँ पर टैक्सी के ऊपर वो लगा देते हैं स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, यहाँ के टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी में हम लोग यहाँ पर आए, 3 किलोमीटर का रास्ता, संडे था, जल्दी पहुँच गए 5 मिनट के अंदर। पता है कितना हुआ? 50 बारबाडोस, यानी कि $25 ना, महंगा, पर टैक्सी में तो सवाल ही नहीं होता यहाँ पर ट्रैवल करने का। हम लोग प्लान करके आए थे कि आज हम लोग केव में जाएंगे, लेकिन 12 बजे का उसका टाइम था, हम लोग 11 बजे घर से निकले, 11:30 बजे यहाँ पहुँचा, लेकिन फिर भी बंद हो गया था। अब पता नहीं क्यों बंद कर दिया इतनी जल्दी, तो आज हम लोग इसमें नहीं जा पाए। और कल का पूछा तो कल भी बंद है क्योंकि वेदर की वजह से। तो अभी इधर सीधा हम लोग जाएंगे बीच के ऊपर, वहाँ पर फिर वक्त गुजारेंगे, और वैसे और शाम को कुछ करने को है नहीं, देखेंगे खाने के बाद फिर जाएंगे दूसरी जगह पर। जो उस दिन मैं गया था क्रेन रिजॉर्ट के ऊपर, तो मैं अकेला गया था, अभी इन सबको लेके जाऊँगा, वहाँ पर साथ में जाएंगे, वहाँ पर शूट करेंगे कैसा होगा। तो आज फिर से आ गए यहाँ पर बीच के ऊपर, ये बीच देखो कितना अच्छा खूबसूरत है, यहाँ पर हिल्टन के पास में बहुत ही अच्छा आज नज़ारा है, बीच का पानी भी बिल्कुल ग्रीन है और धूप भी अच्छी निकली हुई है। लेकिन शाम को यहाँ पर अलर्ट है क्योंकि यहाँ पर हरिकन आने वाला है, तूफान आने वाला है, रात को लाइट नहीं होगी रात को, और देखेंगे उसके बाद में अगर बड़ा हो कुछ होगा तो फिर फ्लाइट वगैरह कैंसिल, हमें भी यहाँ पर फिर टिके रहना पड़ेगा, यहाँ से हम निकल नहीं सकेंगे। और यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर इंडियन क्रिकेटर मिले, देखो आपको बताता हूँ, लो तो कल वर्ल्ड कप के चैप्टर को हमने फिनिश करके यहाँ पर बीच के ऊपर नहाने के लिए आए थे, लेकिन क्रिकेटर हमारा पीछा नहीं छोड़ा। ये देखो क्रिकेटर आपको यहाँ पर रात में अपने क्रिकेटर जो कल जीत गए इंडियन लोग यहाँ पर जैसे के लिए आपके साथ भी ले लेते हैं फिर। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन। यहाँ पर मजा आ गया आप लोगों को मैच देखने के बाद में, हम लोग जीत गए यहाँ पर जेट्स के, और हमारे दुबे सर यहाँ पर। ओके, मैच तो कल खत्म हो गई थी, अभी ये लोग शायद कब निकलने वाले हैं पता नहीं, अभी तक है, अभी दोपहर के यहाँ पर बज गए 2, यानी कि मंडे, यानी कि संडे का दिन, संडे का दिन है और दोपहर के 2 बज गए, अभी तक ये लोग यहाँ पर ही, मतलब कि आज रात को इनकी फ्लाइट होगी या फिर कल सुबह होगी पता नहीं। और अगर हिल्टन के अंदर हम वॉक करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर और भी मिलेंगे शाम। अफ्रीका के प्लेयर पता नहीं, वो दिखाई नहीं दे रहे, वो शायद निकल चुके होंगे। यहाँ पर बस भी जाती है जो उन लोगों को ड्रॉप करती है हर जगह पर, T20 की बस, ICC की बस। और हम लोग भी आए हैं बिल्कुल बीच वाले। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम लोग ने क्रिकेट का चैप्टर कल क्लोज कर दिया था, और यहाँ पर बीच पे नहाने के लिए आए, बीच पे यहाँ पर अपने 2-3 मिल गए क्रिकेटर जिन्होंने कल खेला फाइनल के अंदर और जीता। उसमें से सबके नाम तो मुझे ये मालूम नहीं, एक तो है दुबे और अपने पाजी जो बॉलिंग करते हैं वो, बुमराह के अलावा दूसरे जसप्रीत है शायद, और एक दूसरे एक और है, देखो उन लोग जेट की चला रहे हैं अभी यहाँ पर, एक ये ब्लैक के ऊपर है और एक वो रेड के ऊपर है, तीनों जन चला रहे हैं अपने इंडियन प्लेयर, क्योंकि इन लोग सब यहाँ पर रुके रहते हैं हिल्टन के अंदर, ये हिल्टन होटल है पास में,
अगर अभी वहाँ पर अंदर जाएंगे तो और भी मिलेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोई कुछ लोग आराम करते हैं, कुछ लोग बाहर खाने निकल जाते हैं, कुछ लोग घूमने निकल जाते हैं। तो यहाँ पर छोटे देश के अंदर इनसे मिलना ईजी होता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, मैंने आज जिनसे बातचीत की है मुसलमानों से यहाँ पर, ये उनके घर पर खाने के लिए भी आते हैं, अगर हलाल खाना उनको नहीं मिलता है और तो फिर वो मुसलमानों से कॉन्टेक्ट करते हैं उनके घर पर खाने के लिए, तो यहाँ पर ही रहते हैं। और अगर उन्होंने कहा कि अगर आप शाम के वक्त में आओगे तो ये सब यहाँ पर ही बैठे हुए होंगे नीचे रिसेप्शन में, या फिर बाहर वॉकिंग करते हुए होटल वगैरह के अंदर, तो वो गए अभी वापस से एक चक्कर लेने के लिए। मैंने थोड़ा नज़दीक से भी उनसे वीडियो लिया, लेकिन अच्छा नहीं लगता ज़्यादा पास में जाके दम चेप होना, बस ले लिया वीडियो आप लोगों को बताने के लिए। छोटे देश में ये फ़ायदा होता है कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ आपको ईजीली एक्सेसिबल हो जाती है। आप लोगों को यहाँ पर अपने होटल भी बता दूँ, ये देखो ये होटल हम लोग ने लिए जिसके अंदर किचन है, फुल ओवन, किचन, फ्रिज वगैरह सब कुछ है, बाथरूम भी अच्छा खासा ठीक ठाक है। यहाँ पर हम लोग तीन जन हैं, ये दो बेड है और ये एक है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो घर से खाना लेके आए थे वो ये गर्म किया, और अभी हम लोग ये घर का देसी खाना खा रहे हैं, गोश्त का सालन और चावल। और ये यहाँ का व्यू है होटल से, समंदर वहाँ आपको दिखाई देगा, वॉकिंग करके भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर गाड़ी लेके गए। अच्छा खासा है, फर्स्ट क्लास यहाँ पर बारबाडोस के अंदर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर देखो एक रात का कभी $100 भी होता है या $200 भी होता है, डिपेंड्स सीजन के हिसाब से। सफ़र सबको हर चीज़ सिखा देता है, ज़िंदगी में पहली मरतबा बर्तन धोना पड़ता है कभी कभी, सफ़र के साथ ही हमेशा इसी वजह से याद रहता है। ये देखो ये है क्रेन ब्रिज होटल, क्रेन ब्रिज होटल जो आप लोगों को बताया था उस दिन, देखो क्या व्यू है शानदार यहाँ पर, ये पूरी होटल देखो। इस होटल के अंदर पूरे 7 होटल है, 7 लोग यहाँ पर आ गए। देखो पीछे देखो नज़ारा देखो, ये अयुब्बा है हमारे, कितना अच्छा सीन है। अगर कितनी ज़्यादा मौज अगर आती होगी तो वहाँ से ही लोग चल रहे, पानी इन लोगों को यहाँ से नीचे ले जाएगा, और ये एक्सेस है वहाँ से चल के ये लोग ऊपर तक जाए। यहाँ पर लिफ्ट भी बनाई गई नीचे जाने के लिए। देखो झाड़ के नीचे भी यहाँ पर लैंप लगाया हुआ है रात को डेकोरेशन के लिए, कितनी अच्छी जगह है। भी ब्लॉक मकान, पानी भी जो है कितना ब्लू ब्लू, इतना ब्लू मौज देखो कितने ज़बरदस्त। देखो इंडिया की स्टाइल, इंडिया की ईटें यहाँ पर लगाई गई है। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर, ये जो होटल है, यहाँ पर हर एक रूम के साथ में स्विमिंग पूल है। नीचे जनरल जगह पर तो है सबके लिए स्विमिंग पूल, लेकिन हर रूम के साथ में अटैच यहाँ पर स्विमिंग पूल है। जो साइड पे आपको दिख रहा है ना, वो स्विमिंग पूल है। तो वहाँ पर दो होटल देखिए, ये 3, 4, 5, 6 आगे एक है, 7 जगह पर होटल। देख लो भाई, यहाँ पर पहली बात तो बहुत कम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और दूसरी बात अच्छी अच्छी जगह पर भी बहुत कम लोग जा सकते हैं, लिमिटेड सबका एक्सेस होता है। तो आप लोगों को बता रहा हूँ फ्री में, देख लो। ये यहाँ पर जैकोजी, देखो इसको जैकोजी बोलते हैं ना, किसके अंदर गर्म गर्म पानी आता है। आप आराम से बैठो यहाँ पर शाम को, फर्स्ट क्लास, बहुत बुहारी सी, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल प्लेस, लवली प्लेस, बारबाडोस। घूमने का मजा देखो, इतनी छोटी सी कंट्री के अंदर भी इतना सब घूमने के, देख नेचर, अगर आप नेचर लवर है तो यहाँ पर आओ। जैसे कि मैंने बोला कि देखो बहुत कम लोग सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और उसके अंदर भी लिमिटेड लोग ऐसी हाई फाई जगह पर जा सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो में देखने मिल रहा है तो इसको लाइक करो, करें इस होटल के अंदर आने का, तो मैं आपको प्राइस बता दूँ, उसके बाद में आप फिर सोचना कि आपको आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, या फिर आप आ सकते हैं, आपकी ताकत है या फिर नहीं। ये देखो ये दो बेडरूम का रेसिडेंस है, कितना, $1,000 पर नाइट का। ये यहाँ पर एक बेडरूम का 420 का, ये $950 का, $1,000 का, मतलब कि एक रात का आपको $1,000 और मिनिमम है $400 का, वो भी छोटा सा स्टूडियो है। यहाँ पर और भी $1,300 का, ये $US है, वो बाबाजन डॉलर भी नहीं बल्कि US लिखा हुआ है, $1,700 का। तो एक रात का खाली $1,700, $1,800, $2,000। तो देखो आपको आना है, ये चीज़ इतनी महंगी चीज़ आपको यहाँ पर मैंने फ्री में दिखा दी, तो वीडियो को शेयर करना बनता है। ये झाड़ देखो बनियांचली कितना, देखो आज पूरा दिन तो कुछ काम नहीं हुआ, जो केव के लिए हम जाने वाले थे वो बंद निकला, तो हम बीच के ऊपर गए,
बीच में 2-3 घंटे निकाले, फिर वहां पर हम लोग ने क्रिकेटर से मुलाकात की, दुबे मिला और 2-3 मिले, वीडियो इसका निकाला साथ में, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और यहाँ पर गए थे हम लोग द क्रेन होटल में, बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया अभी वीडियो के अंदर। अब जा रहे वापस घर में, यहाँ तक के हम आए कैसे वो आपको बताऊंगा, क्योंकि टैक्सी तो देखो हम लोग ने सुबह टैक्सी होटल से खाली 1-2 किलोमीटर की थी, वो $25 हुए थे उसके। तो हम लोगों ने अयूब भाई के कोई रिश्तेदार है यहाँ पर, तो उन्होंने ये गाड़ी दी। ये गाड़ी देखो कैसा, यहाँ पर राइट साइड है गाड़ी जैसे इंडिया के अंदर होती है, तो हम लोग को लेफ्ट ही आदत है, लेकिन अयूब भाई को आदत है, अभी इंडिया जाके आए तो इंडिया से उन्होंने चलाया था कैसे, तो हम लोग ये राइट साइड में देखो चला रहे हैं। गाड़ी भी है तो एक पूरी एक वैन है ये, तो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है इधर जाना उधर जाना, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। यहाँ से लगभग है आधा घंटा पहुँचेंगे अभी होटल, और आज जैसे बताया कि हरिकेन का अलर्ट है रात के 2 बजे, तो 6 बजे तक के 6:30 बजे तक के हमको पहले सब खा पी के ख़त्म करना है। 8 बजे लॉकडाउन होने वाला है सुबह तक के, उसके बाद में भी सुबह की खबर मिलेगी कैसा क्या हुआ, रात को 2 बजे कुछ होने वाला है, तो देखेंगे आगे आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। ये देखो सामने कितना अच्छा सीन है, अभी सनसेट भी होने वाला है, असर हो चुकी है 5:30 बजे, 6 बजने वाले हैं, 6:30 बजे असर ये सनसेट देखो, क्लास सीन है। लोग भी सब जा रहे हैं घर पे, जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अयूब भाई कैसा लग रहा है ड्राइविंग का, फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास राइट साइड हैंड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट।